खालिद इब्ने वलीद कैसे मुसलमानों के दुश्मन थे, इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनी की, लड़े, तलवार के जोर से जेर नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे खालिद इब्ने वलीद बड़ा गैरत वाला आदमी है, 70 सहाबा को खालिद इब्ने वलीद ने कत्ल करवाया है ग़ज़वा उहुद में, इस्लाम दुश्मनी में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत देखो, ये नहीं कि इनको बस किसी तरह मार दो, इन्होंने 70 अफराद को शहीद करवाया, ना ना ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे गैरतमंद है तभी तो लड़ रहा है, गैरत का गलत इस्तेमाल में लड़ रहा है। लेकिन ये इनको ये कंफ्यूजन है कि ये सही है और हम क्या हैं, गलत हैं, ये समझ रहे हैं हमने इनके बाप दादा के दीन पे हमला किया है, हालांकि असल इनके बाप दादा का दीन वही है जो हम पेश कर रहे हैं, जहालत है, गलती है। किसी तरह इनको जेर करो, ऐसा गैरतमंद आदमी अगर हमें मिल गया तो किसके लिए काम करेगा, जो हमारे मुखलिस लड़ाका अल्लाह के लिए लड़ने वाले 70 को शहीद कर सकता है, वो इस्लाम दुश्मन जो अल्लाह के लिए नहीं लड़ते उनका क्या करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बेहतरीन तदबीर की कि सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद इब्ने वलीद लड़ने के लिए आ रहे थे, सुलह हुदैबिया हुई तो चले गए, पैगाम भेजा कि खालिद इब्ने वलीद को जाके बताओ कि नबी ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारे जैसा समझदार और ज़हीन आदमी अब तक उसकी समझ में इस्लाम नहीं आ रहा, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। यौ कमा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ज़हीन आदमियों के इस्लाम नहीं समझ में आ रहा। तो खालिद इब्ने वलीद ने जब ये सुना फौरन मुतासिर हुए। इंसान अपनी तारीफ सुन के खुश होता है, इज्जतदार लोग जो है ना वो पेशानी से पकड़ के गालियां देके नहीं लेन पे आते, वो इज्जतदार आदमी आप उसको अच्छे अल्फाज से दीन की तरफ बुलाओगे तो वो आ जाएगा। कादियानी भी अगर दीन पे आने लाना चाहते हो ना और वो उसमें आपको नजर आता है कुछ, तो फिर आप आपसे उसको आपको उससे बहुत मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी। ये नहीं जाके एक साहब गए ना कादियानी को दावत देने के लिए, अरे कुत्ते जैसी इधर ही शक्ल है, किस तरह की बात, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मिंबर पर बात करना, कुत्ते इधर ही तू तबलीग करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है भाई, उसको वो आएगा। तो खालिद इब्ने वलीद का दिल क्या हो गया, नरम। उन्होंने कहा बहुत तलवार से नहीं, आराम से लड़ाई से, हम इसका मतलब गुस्दिल हम डर गए, ना ना ना, आराम से। तो खालिद इब्ने वलीद आए और इस्लाम कबूल किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ भेजा उनको, ग़ज़वा मूता में। 3,000 की लड़ाई 3,00,000 से थी तकरीबन, मुझे पूरे आदाद अभी याद नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमांडर बना के नहीं, आम फौजी बना के भेजा। 3 सहाबा को जिनमें जाफर तैयार भी थे जो निजाशी के सामने तकरीर करके आए थे, वो मैं भी जल्दी से मुकम्मल करके बयान ख़त्म करता हूँ, उनमें हज़रत जाफर तैयार वो भी थे, 2 सहाबी और थे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे ज़ैद इब्ने हारसा, जो इंतहाई चहीते हिब्बु रसूलिल्लाह। जब कोई सिफारिश करनी होती थी ना किसी ने, तो हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा को जाके लोग बताते थे कि नबी इनकी बात को मुस्तरद नहीं करेंगे। ऐसे चहीते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में भेज दिया कि भाई रूमी हमला कर रहे हैं, 3,00,000 का लश्कर है, इतने चहीते को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये आपकी भी कुर्बानी थी, झूठा नबी होता कहता है अबे भाई अपने अपनों को यहां रखो, ठीक है। कोई झूठा नबी होता है ना क्या कहता है, अबे इनको तो नहीं, वो उधर भेजो। तभी आप देख लें आजकल जो सेटअप चल रहा है ना, छोड़ो अभी मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, आजकल जो अजीब सा सेटअप चल रहा है, अपने अपने यहां यहां, दूसरे दूसरे वहां वहां, तो ऐसा सेटअप चल रहा है आजकल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्ने हारिसा को भेजा और जाफर तैयार को, दूसरे अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा थे या क्या नाम था उनका, ऐसे मुझे जहन से निकल रहा है, तो वो जी अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें अगर ये एक शहीद हो जाएँ तो ये अमीर हैं, ये शहीद हो जाएँ तो ये अमीर, और मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। अब 3,00,000 का मजमा है और इधर थोड़े से लोग हैं, और दिफाई जंग थी ये, इख़दामी नहीं थी, उनको मदीना आने से रोकना था। रूमी अंग्रेज़ हैं, रूमी कौन थे, जिनको आज अंग्रेज़ कहा जाता है ना, ये उनकी औलादें, उन्हीं की औलादें जिनसे ये सहाबा की लड़ाई हुई थी। तो वो ये बड़े उस वक्त भी बड़े मुनज़्ज़म होते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, फरमाया तक़ूमुस्सा वर्रूमु अक्सरुन्नास, क़यामत क़ायम होगी फिर भी रूमी दुनिया में ज़्यादा होंगे। देख ताबईन ने जब ये हदीस सुनी, इन्होंने कहा कि मैं ये सारी कौमें दुनिया से ख़त्म हो रही हैं, इस्लाम की तलवार के नीचे आ रहे हैं, रूमी रहेंगे आखिर तक, तो कोई इनमें यकीनन क्वालिटी होगी जिसकी वजह से मुसलमान इनको पूर्व क़यामत तक ही, गोरे तभी तो देखो ना अब तक हैं, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बाकी रूम और फारिस गायब हो गए पता ही नहीं कहाँ, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें थी जो इनसे ज़्यादा मजबूत थी रूमियों से। तो उन्होंने जब
अपना खुफिया नुमाइंदा भेजा ना कि इनमें देखें ये क्या इनकी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये ऐसी शिकस्त नहीं होगी, इनको इनसे जंग रहेगी। तो उन्होंने ये नोट किया कि इनकी क्वालिटी ये है। देखो सहाबा भी सीखते थे गैर मुस्लिमों से भी, गैर मुस्लिमों में से भी सीखते थे इनके अंदर क्या क्वालिटी है, ताकि वो क्वालिटी हम अपने अंदर भी पैदा करें, कौन सी बात है इनमें। तो वो सीखने के लिए गए, तो जाके देखा, तो उन्होंने रिपोर्ट जो बनाई, जो रिपोर्ट पेश की वो ये थी कि इनको जब शिकस्त हो जाती है तो ये दोबारा लड़ाई उस वक्त तक नहीं लड़ते जब तक उस शिकस्त के असबाब पे गौर करके उस सबब को दूर ना करें, वो गलती दोबारा नहीं दोहराते ये। अब देखो अमेरिका अफगानिस्तान में आया, रशिया वाला स्टाइल नहीं है अमेरिका का, इसलिए कि उसको पता था कि रशिया जिस स्टाइल में आया था ताकत और कुव्वत के बलबोते पर जमीन पे फौज उतार के पठानों से पंगा ले लिया उसने, है भाई, और पिटके वापस जा रहे। अब हम लोग तो मुसलमान है ना, साहबा के तर्ज पे तो हम चल नहीं रहे, हम तो वही गलती बार बार दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे। एक दफा वो पिट के आ जाओ, जाओ तुम भी पिट के आ जाओ, हम तो ये करते रहते। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बैठ के गौर करो भाई ये क्यों हुआ, मुल्क में ये नुकसान क्यों हुआ, आइंदा ना हो लिहाजा उसकी तलाफी हो। जैसे भी कादियानियों का जो बिल पास हो गया एकदम से कादियानियों की हिमायत में, तो उस पर गौर होना चाहिए हुआ कहाँ से है, उस पर तसल्ली से गौर होके फिर वो लोग सामने आ जाते, फिर आइंदा के लिए ऐसा ना हो, इन सब चीज़ों पर गौर होना चाहिए ना। ये अल्लाह का फजल है, जामे तो रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में किसी के तवस्सुत से मुकदमा करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी मौजूदा जज हैं उनकी बड़ी खिदमात हैं कादियानियों को के खिलाफ, उनकी बड़ी खिदमात हैं। अभी जामे तो रशीद में कुछ दिन पहले आए भी थे वही जज जिनके खिलाफ लोग बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी बातें जो मैं यहाँ बैठ के नहीं कर सकता, बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने बताई, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के करूँगा तो बास तंजीमों पर रद्द होगा, फिर वो तंजीम वाले यूट्यूब पे मेरे खिलाफ़ पहले माशाल्लाह गालियों का एक चल रहा है सिलसिला वो भर भर के देंगे। तो उन्होंने बड़े, तो ऐसी बातें मेंबर पे बताई नहीं जाती, कोई ऐसी खुफिया एटम बम की बातें नहीं है, वो बस ये बताया कि अगर फलां सियासी तंजीम की तरफ से गड़बड़ ना होती तो कितना काम हो चुका होता। तो वो क्या है कि उसमें जनाब कादियानियों के खिलाफ जो है ना, उन्होंने कहा कि ये जो कादियानी ऊँची पोस्टों पर हैं इनको ऊँची पोस्टों से हटाया जाए, क्योंकि ये ऊंची पोस्टों पे भेस बदल के नाम चेंज करके पहुंच जाते हैं और वहां से गड़बड़ शुरू करते हैं, तो तफ्तीश की जाए। ये केस जामिया तो रशीद की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ था, लेकिन किसी के जरिए से, बराह रास्त नहीं बल्कि किसी तवस्सु से, कि भाई ये हुकूमत इसकी इंक्वायरी करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन जज ने बड़ा साथ दिया और वो खुद भी इसके ज़ाती तौर पर इसके हामी थे। तो इस तरह से क्या होता है कि भाई आइंदा ये गलती नहीं होगी, क्योंकि ऊंची, बहुत ऊंची पोस्टों पर कादियानी पहुंचे हुए और वो जाके क्या करते हैं, ऐसी गड़बड़े कराते हैं, तो वहां तक पहुंचना दिया जाए उनको। तो मैं यह कर रहा था कि खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला, वो जो तीनों शहीद हो गए और ऐसी जंग लड़ी है उन्होंने, अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा ने फरमाया, गोश्त खा रहे थे उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने फरमाया कि जमाना बहुत तवील है, जो देख लिया ना नहीं टिक सकते, इनके सामने लड़ाई लाजमी है। तो एक सहाबी ने तो अपनी बीवी को तलाकें दे दी वहां खड़े होकर, उन्होंने कहा बीवी याद आ रही है जिसकी वजह से मैं जंग में लड़ नहीं पा रहा, तो उसको तलाक दी ताकि अब ना बच्चों की फिक्र ना बीबी की फिक्र। अब क्योंकि लड़ाई इतनी सख्त थी, जाहिर है कोई रेशो नहीं बनता ना, इतने बड़े लश्कर को भगाने का कोई तनासुब भी नहीं बनता ना, कोई जंग का कोई कुछ तो हो। अब तो जाहिर है सिर्फ जज्बा ही है और भरपूर लड़ाई है मौत की, तो वो मौत की नीयत से तलवार लेकर कूद पड़े। ये हैं सहाबा जिनको राफिजी लोग गालियां देते हैं, जिनको बुरा भला कहते हैं, तो तलवार लेकर मैदान जंग में कूद पड़े और शहीद हो गए, उनको चांस ही नहीं था। तीनों जब शहीद हो गए हैं तो लोग परेशान हुए कि अब किसको कमांडर बनाए, तो लोगों की नज़र आई खालिद इब्ने वलीद पर कि ये मैदान है, ये 70, इन्होंने वहाँ इतनी ज़बरदस्त जंग लड़ी थी तो यहाँ भी लड़ सकते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठ कर सहाबा को ये पूरा वाकया सुना रहे हैं, अल्लाह ने बतौर मोजज़ा आपके सामने पूरा वो जंग का वाकया आपके सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा शहीद हो गए, हालांकि बहुत दूर था ये मदीना से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी, ये मोजज़े के तौर पर आपने बताया। फिर आपने फरमाया कि जाफर तैयार शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए, उन्होंने झंडा हाथ में लिया और वो भी शहीद हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से, जाफर तैयार तो बहुत ज़्यादा चहेते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अली के बाद सबसे बड़ा मकाम अहले बैत में हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का समझा जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को खबर दी कि जाओ उनकी चार बीवियां हैं, उनको जाके इत्तला दो कि वो शहीद हो गए हैं। फिर उनके बच्चों के सर पे, उनके छोटे छोटे यतीम बच्चे थे हजरत जाफर तैयार के, उनके सर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों का फिर बहुत ख्याल किया करते थे, तो वो औरतों के रोने की आवाज़ आई, बड़ा दिलचस्प वाक्य है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि इन औरतों को कहो कि अपनी आवाज़ें पस्त करें, घर की चार दीवारी से आवाज़ इनकी बाहर ना निकले। बड़े खूबसूरत जवान थे हज़रत जाफ़र तैयार और नबी के चहीते थे, और ग़ज़वा बदर में हज़रत जाफ़र तैयार की बड़ी कुर्बानियाँ थीं। जब ये आया है ना काफिरों का लश्कर बदर में सामने, और काफिरों के सरदार आए कि हल में मुबारिस कोई है हमसे लड़ने वाला, यानी पहले हमसे लड़े फिर हम दोनों में से कोई कत्ल होगा तो फिर जंग शुरू होगी, ऐसे भी थे। तो इधर से कौन आए, पहले कुछ अंसारी साहबी आए, तो वो जो वलीद इब्ने उकबा था ना, वलीद इब्ने उतबा, उसने कहा ना 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 ना, हमें अपने जैसा चाहिए, हमें कैसा चाहिए, कुरैशी सरदार होना चाहिए जो मेरे मुकाबले में आए, फिर लड़ाई का मजा आया। ये वो बहादुरी है जो किस्में थी, बोलो ना भाई अरबों में। तो उधर से फिर हजरत अली आए, हजरत जाफर तैयार आए, हजरत हमजा आए, इधर से भी तीन आदमी आए, उधर से भी तीन। तो इसने कहा नाम अकफा उना, हाँ ये हैं हमारे, हमारी कौम के, हमारे जैसे शेर हैं, बहादुर हैं, लड़ना जानते हैं, इनसे लड़ाई में मजा आएगा, और पिट गए तीनों। तीनों क्या हो गए। तो इधर से हजरत जाफर तैयार जब आए ना, तो ये तो बहादुरी की बात है ना भाई, इधर 313 उधर हजार, और लड़ाई ऐसे शुरू हो रही है कि दोनों जन्मे से जब तक एक जिंदा है लड़ाई शुरू नहीं होगी, और इसमें कितना 50% चांस है ना अपने शहीद होने का, और सामने से भी पता है कि बहादुर तरीन आदमी आया है, कमजोर हो तो आदमी कहता है मैं जाऊं यार, मैं बिस्मिल्लाह करूं, बल्कि उसमें भी नहीं जाएगा, बोल गया यार मैं पिटपिटा ही ना जाऊं। तो ऐसे सहाबी थे जाफर तैयार, और वो ग़ज़वा मूता में नबी के कैसे चचाजात भाई शहीद हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और आपने फरमाया कि वो भी शहीद। फिर आपके जो चहीते हिब्बू रसूलिल्लाह, नबी के चहीते, हिब का तर्जमा उर्दू में क्या होगा, चहीता कहते हैं ना, बड़ा चहीता है, लाडला है, नबी के लाडले, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेके कई साल पाला है, इतनी मोहब्बत दी कि जब इनके असल बाप दादा आए ना इनको ले जाने के लिए, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाता, मैं इधर ही रहूंगा, इतनी मोहब्बत हो गई थी, इतना आई कि वो भी शहीद हो गए। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया قد اخذ الرايه سيف من سيوف الله, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा हाथ में ले लिया। इसमें इशारा था कि अब यह तलवार टूटेगी नहीं, क्योंकि ये किसकी तलवार है, अल्लाह की। इसी वजह से कहा जाता है कि खालिद इब्ने वलीद, हजरत खालिद इब्ने वलीद खुद बताते हैं कि मैं घुमसान की जंगों में लड़ा हूं शहादत हासिल करने के लिए, मगर किस पर मेरी मौत वाकई हो रही है, बिस्तर पे रो रहे थे। फरमाया कोई ऐसी जगह मैंने छोड़ी नहीं है जहां मुझे शहादत नजर आई हो और मैं घुसा ना हूं उसमें लड़ते हुए, मगर मौत कहां आ रही है, बिस्तर पे। उलमा ने उसकी वजह बयान की है कि जिसको अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तलवार कह दिया हो, तो ये इशारा है कि इसको शहादत नहीं मिल सकती, क्योंकि शहादत का मतलब काफिरों के हाथों कत्ल, और काफिर ने अल्लाह की तलवार को तोड़ दिया, तो ये नबी की बात क्या हो जाती, गलत। तो हजरत जाफर तैयार रजी, हजरत खालिद इब्ने वलीद फरमाते हैं कि हमने सुबह से लेकर रात तक लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, सुबह से लेके। इसलिए कहता हूँ अल्लाह के बंदों कुछ एक्सरसाइज किया करो, खुदा के बंदों, सहाबा कितना स्टेमिना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा तलवारें चलाने के लिए एक्सरसाइज करें, फटने के लिए करें, उसके लिए आर्मी है, फौज है, जिहाद करना है, जंग लड़नी है, किसको ज्वाइन करो, आर्मी को ज्वाइन करो, मुल्क की हिफाजत करो, अपने ही लोगों पे जाके फट जाना ये जिहाद, बोलो ना भाई, नहीं है। लेकिन ये तो पता चलता है ना कि जब मुल्क को जरूरत हुई, जब दीन को जरूरत हुई लड़ने के लिए, मजहब को जरूरत हुई लड़ने के लिए, तो लड़ने के लिए कुछ गद्दे पे बैठ के लड़ाई सीखोगे क्या। और सहाबा का स्टेमिना कितना था, सुबह हजरत खालिद बिन वलीद पर तलवार कितनी भारी होती, कब आप उठा के देखें, वो जो तलवारें थी वो ये कसाईयों की छुरियां नहीं होती थी, इतनी भारी भरकम तलवारें। फरमाते हैं सुबह फजर से लेके रात मगरिब तक हम तलवारें चलाते रहे, और मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटी हैं, 9 तलवारें। इतने लाख मजमे के साथ लड़ना, और कहते हैं मैं इतना कत्ल किया बंदा मैंने, कि उनका इतना जोर था, मदीना हाथ से चला जाता सहाबा के, मदीना हाथ से चला, मदीना का दिफा था ये, कह रहे इतनी इतनी तलवार चली है कि फिर वो हजरत खालिद जोश में ना अशार में
वो पढ़ा करते थे। और खवातीन से भी कहता हूं कि रिश्तों के लिए ये जो सिंगर टाइप के लोग होते हैं ना, गुलकार, इनको पसंद ना किया करो। आजकल खवातीन के हीरो कौन है जो फिल्मों में ठुमके लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, 10-10, 20-20 लड़कियों से दोस्तियां लगाई हुई, इनको कहते हैं ये हीरो, काश मेरी इससे शादी हो जाए, जो इंडियन फिल्मों और अंग्रेजी फिल्मों के हीरो होते हैं। दीनदारों से मोहब्बत करना करो और अपने बेटियों की जो शादियां हैं किससे किया करो, दीनदारों से, जो मुआशरे के खिलाफ लड़ना जानते हैं। लड़ने से ये नहीं कि बंदूकें चलाना, रस्म और रिवाज में उनके खिलाफ चलना, उन पे कॉन्फिडेंस है, उनका एक सोच है, एक थिंकिंग है। गुलकार सिंगर बेचारे की क्या सोच होती है, वो तो नाचता है, ठुमके लगाता है, 10 लड़कियां इधर, 10 लड़कियां उधर मर रही हैं, और शहवत परस्ती में और अपनी ख्वाहिशात की गुलामी में सारी जिंदगी गुजर जाती है। इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, सॉरी, इनमें कुव्वत मुजाहमत नहीं होती इन लोगों में। इनकी ख्वाहिशात, अगर इस तबके को अगर कुछ ख्वाहिशात इनकी छीन ली जाएं तो ये तो वैसे ही खुदकुशी करके मर जाएं। तभी आप देखें ज्यादातर अदाकार, ज्यादातर तो नहीं लेकिन अदाकारों में खुदकुशी का रेशो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये लाइफ को एंजॉय करने के आदी हो जाते हैं, कुर्बानियों का के आदी नहीं होते। जरा सी लाइफ की एंजॉयमेंट में कोई कमी हुई तो ठा करके मार दिया अपने आप, जवानी में खुदकुशी कर लेते हैं, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं।